हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट स्पीक हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम दुनिया के 8 सबसे ऊंची मूर्ति के बारे में जानने वाले हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी है और वह किस जगह पर है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। नंबर 8, ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड का ग्रेट बुद्धा इस देश की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस मूर्ति की ऊंचाई 92 मीटर है। इस प्रतिमा का निर्माण सन 1990 में शुरू हुआ था, जो 2008 में पूरा हुआ और इसे गोल्डन पेंट से कवर किया गया है। इस विशाल बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण शेखात बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार किया गया था। नंबर 7, गुइशान गुआनिन चाइना। यह मूर्ति दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची मूर्ति है। यह करुणा की बौद्ध देवी गुआन की मूर्ति है, जो चाइना के वेनसाई चंगासा हुनानी प्रांत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 99 मीटर है। इस मूर्ति के 3 अलग अलग चेहरे हैं। इस मूर्ति का पहला चेहरा अपनी भूमि की ओर देखता है और अन्य 2 चेहरे का रुख समुद्र की ओर इंगित करते हैं। इस विशाल प्रतिमा को पूरा होने में लगभग 6 साल का समय लगा था। नंबर 6, सेंदाई डाई कानन। यह मूर्ति दुनिया की 6वीं सबसे ऊंची मूर्ति है, जो जापान में स्थित है। यह 100 मीटर ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा जापानी बुद्धिस्ट बोधिसत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यह मूर्ति सेंदाई में एक पहाड़ी की चोटी पर है, जो शहर के कई हिस्सों से दिखाई देती है। इस मूर्ति के दाहिने हाथ में एक गहना थामा हुआ है। उसके बाएं हाथ में पत्ती की कुप्पी है, जो बुद्धिमता का पानी डालने के लिए थामा गया है। इसका निर्माण कार्य 1991 से 1993 तक चला। यह मूर्ति उस समय की सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है। नंबर 5, उसीकू दाई बुद्धुसु बुद्ध प्रतिमा। यह मूर्ति दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मूर्ति है। यह मूर्ति जापान के उसीकू शहर में स्थित है। यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। इस मूर्ति की ऊंचाई 110 मीटर है। यह मूर्ति 10 मीटर कमल मंच पर शामिल है। इस प्रतिमा में अमिताभ बुद्ध को दर्शाया गया है और यह प्रतिमा कांस्य धातु से बनाया गया है। इसे 1993 में बनाकर तैयार किया गया था। 1993 से 2008 तक यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा था। आज के समय में यह प्रतिमा दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची प्रतिमा है। नंबर 4, स्टेचू ऑफ बिलीव, विश्वास की मूर्ति। भगवान शिव की यह मूर्ति दुनिया की 4थी सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति की ऊंचाई 112 मीटर है। शिव जी की यह मूर्ति इतनी ऊंची है कि आप इसको 20 किलोमीटर दूर से ही देख सकते हैं। यह मूर्ति राजस्थान के नाथ द्वार में है। वर्तमान में स्टेचू ऑफ बिलीव दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण कार्य 2013 में शुरू हुआ और 2019 में पूरा हो गया। नंबर 3, लेक्यून सेटकियार म्यांमार। दुनिया की 3री सबसे बड़ी मूर्ति म्यांमार के मोनवा में स्थित है। यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। म्यांमार में 2008 में बनाई गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा दुनिया की सबसे 3 प्रतिमाओं में से एक है, जिसकी ऊंचाई 116 मीटर है। बुद्ध की यह मूर्ति 20 मंजिलों की है, जिसमें बौद्ध साहित्य जैसे 31 जीवन शैली है। प्रत्येक मंजिल पर चित्र प्रत्येक क्षेत्र के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। इस मूर्ति का निर्माण कार्य 1996 में शुरू हुआ और 2008 में बनकर पूरा हुआ। गौतम बुद्ध की यह प्रतिमा 13 मीटर ऊंचे सिंहासन पर है। नंबर 2, स्प्रिंग टेंपल बुद्ध चाइना। स्प्रिंग टेंपल बुद्ध दुनिया की 2री सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 153 मीटर है। यह प्रतिमा चीन के हेनान प्रांत में स्थित है। इस प्रतिमा का निर्माण सन 1997 में शुरू हुआ था, जो 2008 में पूरा हुआ। भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा 20 मीटर ऊंचे कमल के फूल पर सिंहासन पर खड़ी हुई है, जिसमें 1100 तांबे के टुकड़े शामिल है और यह प्रतिमा दुनिया की 2री सबसे ऊंची प्रतिमा है। और नंबर 1 पर है स्टेचू ऑफ यूनिटी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी है, जो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसका निर्माण कार्य 2013 को प्रारंभ हुआ और 2018 में पूरा हुआ। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की
गांधी जन्म दिवस के मौके पर किया गया। यह मूर्ति गुजरात के वडोदरा शहर के नर्मदा तट के पास सरदार सरोवर बांध में बनाई गई है। यह बेहद सुंदर सहित प्रतिमा और भव्य मूर्ति है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसे दुनिया भर के लोग देखने के लिए आते हैं।